हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट है, जिसमें कि अपन फर्स्ट ऑर्डर को डील करेंगे, है ना। इससे पहले लेक्चर्स में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डील किया था, तो टॉपिक है आज हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे आपको पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा उसमें रेड लॉ में कंसंट्रेशन की पावर का सम कितना होगा, जीरो होगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, वहाँ पर वन होगी। कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, वन होगी। तो इसका जो रेड लॉ है वह इस तरह से लिखा जाएगा, आर इज इक्वल टू के ए की पावर क्या लिखी जाएगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर वन लिखी जाएगी, यदि ए से बी रिएक्शन को आप डील कर रहे हो। तो ए से बी यदि रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितनी होगी, यहाँ पर वन होगी। तो ये क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में आप देखते हो कि यदि कंसंट्रेशन को आप टू टाइम्स करते हो तो रेट भी टू टाइम्स होगी, कंसंट्रेशन को फोर टाइम्स करते हो तो रेट भी कितनी होगी, फोर टाइम्स होगी। कंसंट्रेशन को यदि आप हाफ टाइम्स करते हो तो रेट भी कितनी हो जाएगी, हाफ टाइम्स यहाँ पर हो जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप देखिए यहाँ पर किस तरह से क्या अब हमको यहाँ पर इसका इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला या रेट इक्वेशन यहाँ पर निकाली जाएगी। तो आप देखना यहाँ पर ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, यहाँ पर ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। t = 0 टाइम पर ये a नोड है, ये यहाँ पर 0 है, और t = t टाइम पर इसका रिमेनिंग अमाउंट बचता है यहाँ पर 80, और यहाँ पर इसका अमाउंट बनता है y। तो यहाँ पर रेट लॉ लिखा जाएगा r = k a की पावर 1, और रेट होगी यहाँ पर -da upon a, और इसको लेके जा रहा हूँ मैं da upon a। इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की लिमिट है यहाँ पर a नॉट और ए टी, और टाइम है यहाँ पर 0 से t। टाइम कितना है, 0 से t। आपको पता है कि dx upon x का जो इंटीग्रेशन है वह होता है ln x, ठीक है। तो यहाँ पर da upon a का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln a, माइनस साइन आगे है, तो ln a, और लिमिट है यहाँ पर a नॉट से a t, और ये हो जाएगा kt = kt, ओके। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेशन है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखी जाएगी, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो ln a0 - ln at = kt, ठीक है। इसको ले सकते हैं अपन ln a0 upon at is equal to kt, और इसका a0 upon at is equal to हो जाएगा ये e की पावर kt। यहाँ से ln हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी पावर, एक्सपोनेंशियल kt है ना। और at upon a0 ये यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस kt। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी at is equal to a0 e की पावर माइनस kt, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, जिसे बोलते हैं अपन विल हेल्प मी इक्वेशन at is equal to a0 e की पावर माइनस kt, ओके। अब यहाँ पर देखना, आप एक और अपन इक्वेशन यहाँ पर निकाल रहे हैं, ln a0 upon at is equal to kt है, तो इसको ले सकते हैं अपन, इस इक्वेशन को ln a0 upon at is equal to kt को ले सकते हैं अपन यहाँ पर 2.303 log a0 upon at is equal to kt। ए नॉट क्या है बेटा, यहाँ पर ए नॉट आप जानते हो कि क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन,
इनिशियल कंसंट्रेशन और एटी क्या है यहाँ पर, एटी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, ठीक है। और के क्या है रेट कांस्टेंट, के क्या है बेटा यहाँ पर रेट कांस्टेंट और टी है यहाँ पर टाइम, ठीक है यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, मेनली न्यूक्लियर रिएक्शन है वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेनली एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। एक तो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है इसका, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन यदि ऐसे भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट आफ्टर टी टाइम ए टी, तो रेट लो लिखा जाएगा। इसके लिए आर इज इक्वल टू के ए की पावर लिखी जाएगी 1 और माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए डी ए और अपॉन एम ए लिखे गया यहाँ पर, और इसका इंटीग्रेशन लिमिट लगाइए ए नॉट से ए टी, ठीक है। तो एल एन डी एक्स अपॉन एक्स या डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर एल एन ए नेगेटिव साइन ए नॉट ए टी और यहाँ पर के टी, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो नेगेटिव साइन है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट इज इक्वल टू के टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी ए नॉट अपॉन ए टी। यहाँ से एल एन हटाया तो सामने वाले पे क्या चला जाएगा, वह एक्सपोनेंशियल में ए की पावर के टी, और यहाँ पर ए टी अपॉन ए नॉट है तो ई की पावर माइनस क्या हो जाएगा, ये के टी। क्लियर है यहाँ तक, देख लीजिए इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही काम की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि केमिकल काइनेटिक्स में यदि आपका आंसर आएगा तो 90% क्वेश्चन का आंसर आपको क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा उसमें, है ना। 90% क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, मेनली फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। और यूनिट आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट के क्या होती है, वह सेकेंड इनवर्स, क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट है यहाँ पर सेकेंड इनवर्स है यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट। क्लियर है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट के आगे की बात करते हैं इसके ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, तो ग्राफ देखिए यहाँ पर रेट वर्सेस टाइम के बीच में, नेक्स्ट ग्राफ है एटी वर्सेस टाइम के बीच में, नेक्स्ट ग्राफ है एटी अपॉन ए नॉट वर्सेस टाइम के बीच में, नेक्स्ट ग्राफ है लॉग एटी वर्सेस टाइम के बीच में, और नेक्स्ट ग्राफ है ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट, मतलब इसको अपन ने क्या बोला था बेटा, पिछले बार लेक्चर्स में अपन ने देख लिया था ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट, ये फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन या इसको बोलते हैं अल्फा वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ओके। तो फर्स्ट ग्राफ देखिए यहाँ पर, फर्स्ट ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम के बीच में, फर्स्ट ग्राफ क्या है यहाँ पर, रेट वर्सेस टाइम के बीच में। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट किस तरह लिखा जाएगा, आर इज इक्वल टू के एंड ए, ए यहाँ पर क्या है टी टाइम पर कंसंट्रेशन है, ए यहाँ पर क्या है टी टाइम पर कंसंट्रेशन। तो ये आ जाएगा ए, ए टी की वैल्यू अपन ने निकाली अभी ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो टाइम के देखिए यहाँ पर टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा बट नेगेटिव में, नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो इंक्रीज टाइम तो नेगेटिव में क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो ये टी इंक्रीज हो रहा है बट एक्चुअल में ये पूरे टर्म्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का ग्राफ इस तरह से आता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ठीक है ना। तो हाइपरबोला ग्राफ आ जाएगा ये, ओके। तो ये फर्स्ट ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम के बीच में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एटी वर्सेस टाइम। तो एटी
एटी क्या है यहाँ पर, एटी का फॉर्मूला होता है एटी इज इक्वल टू क्या था, एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो वही टाइम टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज है बट एक्चुअल में ये कहाँ, ये टर्म्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ में एटी का ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो इस तरीके से एटी अपॉन ए नॉट, तो एटी अपॉन ए नॉट क्या है, ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी। तो टाइम इंक्रीज नेगेटिव में डिक्रीज, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, इसका भी ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लॉग 80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ। लॉग 80, तो आप जानते हैं कि लॉग का ग्राफ, लॉग की इक्वेशन क्या थी, 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू क्या था, के टी। 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू के टी। तो इसको ले सकते हैं अपन, टाइम के बीच में बनाना है नहीं, क्या करेंगे, के टी अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग 80, ये होगा। इस ग्राफ को मैं इरेज कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, तो लॉग 80 इज इक्वल टू क्या होगा, log 80 इज इक्वल टू log ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आएगा इसमें, जिसमें m क्या होगा यहाँ पर, स्लोप है यहाँ पर, और स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस k अपॉन 2.303। इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर, log ए नॉट, y एक्सिस पे क्या आ गया, log 80, और x एक्सिस पे क्या आ गया, t। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप, स्लोप क्या आएगा यहाँ पर, स्लोप बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं अपन tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, और ये रहा इसका इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू है log ए नॉट। वैल्यू कितनी है इसकी, log ए नॉट। क्लियर है ये? तो अपन ने यहाँ पर चार ग्राफ देख लिए, 1, 2, 3, 4, और नेक्स्ट है 5 नंबर का ग्राफ, ए नॉट माइनस 80 अपॉन ए नॉट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। देखिए यहाँ पर इसकी इक्वेशन किस तरह बनाएंगे हम लोग, हमारे पास है 80 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, दोनों को 1 में से माइनस कर दो, 80 अपॉन ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो यह आ जाएगा हमारे पास ए नॉट माइनस 80 अपॉन ए नॉट ई की पावर 1 माइनस के टी। तो टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो 1 में से कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये टोटल वैल्यू क्या होगी, बेटा यहाँ पर इंक्रीज, टोटल वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी, होगी ना, देखो यहाँ पर टाइम इंक्रीज, ये वैल्यू डिक्रीज, तो ये वैल्यू कम हो रही है 1 में से, तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज वाला ग्राफ आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ अपन ने यहाँ पर देखे, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर है, चलिए। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर में ही हाफ लाइफ या इसको बोलते हैं टी हाफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो जाए, 50% पार्ट उसका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 50% पार्ट कंप्लीट हो गया है इसका, तो 80 कितना होगा, 80 इनिशियल ए नॉट था,
और इसका एनोड बाई टू पार्ट कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा उसका एनोड बाई टू पार्ट यहाँ पर बचेगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के हमारे पास इक्वेशन थी के टी, ये टी हाफ हो जाएगा 2.303 लॉग एनोड अपॉन ए टी, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो टी हाफ हमको कैलकुलेट करना है, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल है ए नॉट और ए टी क्या है यहाँ पर ए नॉट बाई टू। तो टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ये आ जाएगा लॉग टू अपॉन के। तो 2.303 लॉग टू की वैल्यू है 0.3010 और नीचे आ जाएगा के, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.693 अपॉन के, ये है टी हाफ। क्लियर है? तो ये आ गया है हमारे पास टी हाफ इसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के, देखिए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ले सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, चलिए आगे अपन देखते हैं। यहाँ पर टी थ्री बाई फोर निकालते हैं, क्योंकि हमारा काम हाफ लाइफ से नहीं होता है, हम और आगे की सोचते हैं ना। तो टी थ्री बाई फोर का मतलब क्या है, टी 75% है यहाँ पर, है ना, T 75%। तो T3/4 के लिए ए टी की वैल्यू क्या होगी, ए टी इज इक्वल टू क्या होगा ए नॉट माइनस 3 ए नॉट अपॉन 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर बेटा ए नॉट बाई 4 बचेगा। तो रखो यहाँ पर T3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, T3/4 हो गया लॉग ए नॉट की जगह पर ए नॉट और यह आ जाएगा ए नॉट बाई 4, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 4। लॉग 4 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2, लॉग 4 क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2, या लिख सकते हैं 2.303 इंटू 2 और ये लॉग 2 अपॉन के, ये होगा। तो लॉग 2 होगा 0. यहाँ पर देखिए 2.303 लॉग 2 यहाँ पर भी आया था, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन 2 times of t half भी लिख सकते हैं, 2 times of t half हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स 2.303 और log 2, 2.303 और log 2, ये क्या है और ये k, ये तीनों मिलके क्या है t half है। क्लियर है? ओके, तो ये जो आप इसको सोल्व करोगे तो ये जाएगा 1.384 अपॉन के, ये आ जाएगा T3/4। बट हमारे लिए काम की बात क्या है कि T3/4 और टी हाफ में रिलेशन क्या है, 2 times of t half, T3/4 इज इक्वल टू 2 times of t half। T3/4 इज इक्वल टू 2 times of t half। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अपन आगे निकालते हैं अपन। एक अपन निकालते हैं T7/8 एंड टी हाफ में क्या रिलेशन होगा, T7/8 एंड टी हाफ में क्या रिलेशन होगा। तो T7/8 अपॉन टी हाफ लिखा जाएगा, तो T7/8 के लिए क्या लिखोगे आप,
2.303 अपॉन k log a0, और ए टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ए नॉट बाई एट होगी, अपॉन इसके लिए भी क्या आएगा ये 2.303 अपॉन k log a0 अपॉन 2 लिखा था अपन ने टी हाफ के लिए, ये दिख रहा है आपको सभी को, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा t 7/8 अपॉन t हाफ, ये ऊपर आएगा log 8 और नीचे क्या आएगा log 2, ठीक है। तो t से ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 log 2 और ये आ जाएगा log 2, क्लियर है। तो t 7/8 = 3 times of t half, इतना क्लियर है क्या, देख लीजिए फटाफट इसको। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? चलिए इसको साफ करते हैं। आगे आप निकालना बेटा यहाँ पर t 15/16 अपॉन n t हाफ में रिलेशन, t 15/16 n t हाफ में क्या रिलेशन होगा, देखिए यहाँ पर t 15/16 and t हाफ, तो t 15/16 क्या होगा यहाँ पर, देखिए t 15/16 and t हाफ, तो t 15/16 में at की वैल्यू क्या होगी 1/16, तो यहाँ लिखोगे आप 2.303 कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका log a0 अपॉन 16 और नीचे लिखा जाएगा log a0 अपॉन a0/2, तो यहाँ पर बचेगा केवल आपका log 16 और यहाँ पर आएगा log 2, तो log 16 कितना होगा 2 की पावर 4, तो ये इसको ले सकते हैं 4 log 2, 16 होगा ना, 2 × 2 × 2 × 2, 4 × 8 = 16 एंड log 2 दिया जाएगा t 15/16 = 4 times of t हाफ। तो ट्रिक क्या होगी हमारे पास, जैसे कि आपको t 31/32 कैलकुलेट करना है एंड t हाफ में रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो 32 क्या होगा यहाँ पर, तो 1/32 होगा ये, 1/32 का लिखोगे आप 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2, तो 5 times आपने लिखा है, तो यहाँ पर 5 ऐड जाएगा। यहाँ पर 7/8 के लिए क्या होगा, 1/8 होगा, तो 1/8 कितने टाइम्स होगा, 3 times होगा। यहाँ पर 1/16 होगा, तो 1/16 कितना होगा, 4 times होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर t 99 and t 90 में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों के लिए at की वैल्यू क्या होगी, t 99 के लिए at क्या होगा और t 90 के लिए at क्या होगा, इसके लिए at आप निकालोगे तो a0 - 99 a0 upon 80 100, और इसके लिए निकालोगे तो a0 - 90 upon 100
एनोड। तो इसमें आपका आ जाएगा 1/100 या एनोड अपॉन 100 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 एनोड अपॉन 100, ये होगा 10 एनोड अपॉन 100, क्या आएगा यहाँ पर 80 आएगा। ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं यहाँ पर, T99% अपॉन T90% के अपॉन 2.303 अपॉन के से 2.303 के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लॉग लेना केवल अपन को, लॉग में लॉग ये आएगा ए नॉट, और यहाँ पर 80 की वैल्यू क्या है, 99 के लिए 80 की वैल्यू क्या है, ए नॉट अपॉन 100, तो ए नॉट अपॉन 100, और यहाँ पर लिखा जाएगा लॉग ए नॉट, और 80 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 ए नॉट इंटू 100। ठीक है, तो 10 एनोड का मतलब क्या है, 1/10 ही है, तो इसको अपन केवल 1/10 ही कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो T99 अपॉन T90 इज इक्वल टू लॉग 100 कितना हो जाएगा 2, और लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, तो T99 एंड T90 में रिलेशन है 2 टाइम्स ऑफ T90।